दोस्तों स्वागत है आपके इस वीडियो में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ है कि युवाओं के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन मिल रहा है और जिस हिसाब से सरकार काम कर रही है उम्मीद है बहुत जल्द टैबलेट और स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा। इससे संबंधित दो इम्पॉर्टेंट खबरें हैं। पहली खबर दैनिक जागरण में छपी एक आर्टिकल है कि सरकार इसी माह में बांटेगी निःशुल्क स्मार्टफोन, और दूसरी खबर ये है कि खुद योगी आदित्यनाथ डेट बता रहे हैं, डेट नहीं वो बता रहे हैं कि कब से टैबलेट और स्मार्टफोन बांटा जाएगा और कब तक ये प्रक्रिया संपूर्ण कर ली जाएगी। तो देखिए सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जी की बात सुनते हैं, फिर चलेंगे दैनिक जागरण की खबर पे। तो आइए सुनते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद क्या कहा इस मामले में। तो चलिए सबसे पहले योगी जी को सुनते हैं। छात्रों के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन करने वाले विश्वविद्यालयों में हो, इंजीनियरिंग संस्थानों में हो, पॉलिटेक्निक में हो, आईटीआई, नर्सिंग, पैरामेडिकल, अन्य जो भी पाठ्यक्रम है, इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट वो भी वितरण करने की एक बड़ी कार्य योजना पर कार्य कर रही है। ये प्रवेश समय पर हो, समय पर उनके नाम अपलोड हो और फिर उन्हें एक निश्चित योजना के तहत हम दिसंबर से लेकर के मार्च तक उन सभी छात्रों को टैबलेट स्मार्टफोन की सुविधा उपलब्ध करवाने में योगदान दे सके, इस पर हमें कार्य करना चाहिए और इसे हमें निरंतर आगे बढ़ाना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, देखा आपने कैसे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं कह रहे हैं कि इसी महीने में यानी कि दिसंबर से लेकर मार्च तक ये जो भी योजनाएं हैं वो खुद आपने मुख्यमंत्री जी से सुना कि दिसंबर से यानी कि दिसंबर से लेकर मार्च तक इनकी संपूर्ण योजना है कि मार्च से पहले पहले हर एक विद्यार्थी के हाथ में टैबलेट और स्मार्टफोन मिल जाए। लेकिन ये प्रक्रिया कब से शुरू होगी? दिसंबर महीने से। तो आइए दूसरी खबर भी पढ़ लेते हैं जो दैनिक जागरण की आर्टिकल छपी थी, जो दैनिक जागरण में खबर आई थी, आइए उसे भी पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो ये है वो खबर जिसकी बात की जा रही थी। यहाँ पे साफ तौर पे लिखा है कि सरकार इसी माह से बांटेगी निःशुल्क स्मार्टफोन और टैबलेट। क्या है दोस्तों खबर, देखिए उत्तर प्रदेश युवाओं का निःशुल्क स्मार्टफोन और टैबलेट का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। उम्मीद है कि सरकार इसी महीने के दूसरे सप्ताह से इनका वितरण शुरू कर देगी, यानी कि दिसंबर महीने के दूसरे सप्ताह से। इसके लिए डीजी शक्ति नाम से पोर्टल बनाया गया है जिसे जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लॉन्च करेंगे। पोर्टल के माध्यम से ही स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण और छात्रों को भविष्य में पढ़ाई के लिए कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, योगी सरकार ने छात्रों को निःशुल्क स्मार्टफोन और टैबलेट देने की घोषणा पहले ही कर चुकी है। पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगने के बाद कवायद तेज कर दी गई। अब इसी वितरण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि छात्रों को कहीं भी पंजीकरण करने की जरूरत नहीं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, काफ़ी फेक न्यूज़ भी आ रही थी कि ये फॉर्म भरना है वो फॉर्म भरना है, लेकिन यहाँ पे साफ तौर पे कह दिया गया, सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि कहीं भी पंजीकरण करने की जरूरत नहीं है। पंजीकरण से लेकर स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण तक की संपूर्ण व्यवस्था निःशुल्क है। छात्रों का डेटा कॉलेजों द्वारा विश्वविद्यालय को दिया जा रहा है और विश्वविद्यालय छात्रों के डेटा का फीडिंग हो रहा है। ठीक है, तो सोमवार तक करीब 27 लाख छात्रों का डेटा पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। शेष अन्य छात्रों का डेटा फीडिंग की प्रक्रिया चल रही है। दावा किया गया कि सरकार की ओर से स्मार्टफोन और टैबलेट खरीद के लिए जैम पोर्टल पर अब तक का सबसे बड़ा टेंडर जारी किया गया है। 4700 करोड़ रुपए से इनकी खरीद होनी है। उम्मीद जताई जा रही है कि दिसंबर यानी कि इस माह के पहले हफ्ते तक वर्क ऑर्डर जारी होगा और दूसरे सप्ताह से वितरण शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये दो सूचनाएँ थी, आपने यहाँ पर देखा साफ तौर पर यहाँ पर लिखा जा रहा है कि दिसंबर के दूसरे सप्ताह से आपको स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और आपने स्वयं योगी आदित्यनाथ जी को यह कहते हुए सुना कि दिसंबर महीने से यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। कमेंट बताइए आपको यह जानकारी कैसी लगी, और टैबलेट स्मार्टफोन से संबंधित कोई भी सूचना आप मिस ना करें, इसके लिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। जय।